ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 एंड 26, इन दोनों पेज से मिला के कभी कभी एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन के आसपास आते हैं। एक क्वेश्चन तो इस पॉइंट से फिक्स होता है एनसीईआरटी में, कभी दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब नीट में अगर ये पेज 25 का इतना पार्ट आधा पैराग्राफ और 26 का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो एक से दो क्वेश्चन आपके नीट में सीधा सीधा मिल जाएगा और ये पढ़ने में आपको वही 10 से 15 मिनट लगेगा इतना। और इसके प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से मिलेंगे, तो एनसीईआरटी का ये पेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एनसीईआरटी के कम से कम 100 पेज हैं जहां पर इंपॉर्टेंट होता है, वहां से 70 से 100% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि आ ही जाएगा। अगर आप 100 पेज वो कर लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से तो नियरली 50 to 60 क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज इन पेजों से मिल जाएंगे। तो उनमें से एक पेज ये है, वायरस वायराइड एंड लाइकेन, ये आपके सेकंड चैप्टर का पार्ट है और यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एक है आपका एक पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फाइव किंगडम सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन का तरीका था फाइव किंगडम सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, विटेकर। विटेकर ने क्या दिया था, फाइव किंगडम सिस्टम दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और इसमें इन्होंने क्या नहीं मेंशन किया था, नो मेंशन इन लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक क्वेश्चन दूसरा जो बनता है यहां से आपके नीट का खासकर और आने का चांस सबसे ज्यादा होता है कि विटेकर के क्लासिफिकेशन में वो कौन सा एनिमल है या कौन से प्लांट है जिनको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो एक तो क्या है, लाइकेन है और दूसरा क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सेल जैसे पूरा बिहेव नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, ए सेलुलर। और वो बेसिकली कौन कौन से हैं, वायरस वायराइड एंड पायरॉन। तो ये तीन चीजें हैं जो कि आपके क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका डिस्कस किसने नहीं किया था, विटेकर ने नहीं किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपने आप में तीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है और तीनों आ सकते हैं घुमा फिरा के, क्योंकि यही दो पेज हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। इसके अलावा आप आगे देखते हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत है, जैसे कि ऑल ऑफ अस द सफर द इल, अब इनके इन्फेक्शन से सभी के कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे कोल्ड हो रहा है, फ्लू हो रहा है, इनके इन्फेक्शन होता जाएगा। अब ये चीजें जो है आपके लिविंग सिस्टम के अंदर जा रहे हैं तो फिर एक्टिव होते हैं, और नॉन लिविंग सिस्टम में है मतलब बाहर है आपके बॉडी से तो ये एक्टिव नहीं होते हैं, और इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं, इनका जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि जैसे वायरस है तो वायरस कैसे बना होगा, उसकी बाहर की वॉल क्या होगी, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, यही सब क्वेश्चन आता है। और किन साइंटिस्टों ने यहाँ पर इन्हें क्या क्या चीजें इसकी डिस्कवर की, तो साइंटिस्ट नेम भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये 4-5 पॉइंट होते हैं जहां से क्वेश्चन हर साल घुमा फिरा के आता है और बहुत इजी टॉपिक ये होता है। एक क्वेश्चन नीट का फिक्स है और फ्री का नंबर होता है ये। तो अब इसमें और डिटेल में हम जाते हैं इनके स्ट्रक्चर में। लिविंग सेल के अंदर अगर बाहर है तो ये नॉन लिविंग होगा, और लिविंग में है तो ये क्या होगा, दिखेगा कि कैसा ये है कैसा नहीं है। और थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी इनका देखते हैं, कुछ यहां पे दिए हुए हैं स्ट्रक्चर। अब पहला स्ट्रक्चर जैसे है टोबैको मोजाइक वायरस का, अब ये आपके एग्जाम में आया हुआ ये जो स्ट्रक्चर है डायरेक्ट नीट ने उठा के रख दिया था, इसको ए कर दिया था, इसको बी कर दिया था। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा, एक तो ए बी कर दिया, इसको आपको पहचान के बताना है कि ये क्या है, तो ये कैप्सिड है, और दूसरा क्या है, ये जो घूम रहा है ये क्या है, आरएनए है। दूसरा ये क्वेश्चन ये अपने आप में बन जाता है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, टोबैको मोजाइक वायरस का। तीसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है जो इनडायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि टोबैको मोजाइक वायरस में कौन से टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, आरएनए, इसको शॉर्टकट में आप क्या कहते हैं, टीएमवी। दूसरा आपके पास क्या है, ये
बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरियोफेज में भी ये डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर आपके नीट में पूछ रखा है सीधा सीधा। अब इसे देखने में कोई दो मिनट सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। सबसे ऊपर जो ये है ये हेड है, वैसे भी पता चलता है हेड है। उसके नीचे यहाँ पर जो है ये कॉलर होते हैं और उसके नीचे ये जो रिंग टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको सीड, और सबसे नीचे आप क्या होता है इसमें टेल होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, बैक्टीरियोफेज का। टेल्स फाइबर सीड कॉलर्स एंड हेड, इतने में आपका ये डिवाइड होता है। अब इसके बाद यहां पर देख रहे हैं वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल ऑफ द रेप्लिकेट एंड देमसेल्फ किल देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। ये क्या करते हैं होस्ट को किल भी कर देते हैं। वुड यू दी कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में का ये लिंक होता है। तो वायरस से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस या ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वायरस होता है। वायरस मींस होता है वेनम, जो कि मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। तो पॉइजनस फ्लूइड ही एक तरह से है, अगर किसी की बॉडी के अंदर गया तो उसको ये निपटा देगा। अब अगर हम देखते हैं इनके बारे में कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या क्या डिस्कवरी किया था, तो सबसे पहले डिमेट्री लियोनस इवानेस्की 1892 में इसको रिकॉग्नाइज सर्टेन द माइक्रोब्स ऑफ कैजुअल ऑर्गेनिज्म इन द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको में इसकी वजह से क्या हो रहा है, मोजाइक डिजीज हो रहा है, ये बताया इवानेस्की ने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि टोबैको में जो मोजाइक डिजीज होता है वो किसने बताया, सबसे पहले इवानेस्की ने बताया, और किसकी वजह से, वायरस की वजह से हो रहा है। These were the found the smaller than bacteria, और इन्होंने बताया कि ये जो है bacterial disease नहीं है, bacteria से भी क्या है छोटा होता है। And because the pass through the bacteria proof fiber, इन्होंने bacteria proof fiber एक लगाया, उससे filter किया और उसके through ये pass हो गया। M.B. Benjeri, ये दूसरे scientist है, इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, पहला scientist यह है, दूसरे ये आ गए M.B. Benjeri, 1898 में इससे के ऊपर और एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि इसमें जो इन्फेक्शन है किसमें, टोबैको में, वो किसकी वजह से है, हेल्दी टोबैको के ऊपर अगर इसमें डाल दे रहे हैं, ये पैथोजेनिक डिजीज काज कर रहा है, इसी को इन्होंने क्या कहा, वायरस कहा। तो जो M.W. Benjeri है इन्होंने इसको नाम दिया क्या, वायरस, जबकि ऊपर जो साइंटिस्ट है इन्होंने बताया कि इसकी वजह से हो रहा है, इसका नाम वगैरह कुछ बहुत ज्यादा इस पे नहीं कह रहे थे। ठीक है, और डब्ल्यू एम स्टैनले ने इसको क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर इसका बढ़ाया, देखो कि किसका था, प्रोटीनस था। तो ये चीजें तीन साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, तीनों साइंटिस्ट आपके इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, एग्जाम में आ सकता है। कंफ्यूजन भी होता है कि कौन है, क्योंकि तीनों ही वायरस के लिए है, तो तीनों के ये पॉइंट याद है कि क्या क्या इनका योगदान यहाँ पे रहा है, ये रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अब इनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ऑल एडिशन ऑफ प्रोटीन वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सभी क्या करेंगे, कंटेन करेंगे प्रोटीन, कंटेन करेंगे, और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। इन दो चीजों में से कुछ ना कुछ एक होगा, लेकिन दोनों एक साथ पाया जाए ऐसा नहीं यहां पर कुछ मिलता है। तो ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट है कि या तो डीएनए आ जाएगा या आरएनए, कुछ में डीएनए होगा कुछ में आरएनए। अब यहां पर एक जनरली अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में जो भी वायरस पाए जाते हैं वो ज्यादातर आरएनए के होते हैं, और एनिमल में जो पाए जाएंगे वो डीएनए। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, कुछ प्लांट में भी डीएनए वाले होंगे, कुछ एनिमल में भी, लेकिन जनरली जो पाए जाते हैं वो यही पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखते हैं वायरस इज द न्यूक्लियो प्रोटीन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। वायरस में क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन, यही इसका क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, क्योंकि बाकी उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। हो इन जनरल वायरस द इम्पैक्ट प्लांट ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये पॉइंट देखिए लिखा है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है कहां पर, जनरली प्लांट में मिलता है,
ऐसा नहीं कि 100% वहां पे है. एंड वायरस इन्फेक्ट द एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल लेयर. तो ये जो होगा सिंगल लेयर भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, डबल लेयर भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं डबल स्टैंडर्ड. तो ये एनिमल के अंदर पाए जाएंगे. अब नेक्स्ट है बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज. एक वायरस है, नाम उसका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन वो क्या है, वायरस है, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, जो ऊपर स्ट्रक्चर हमने देखा था. यहां पर वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है आर, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए. अब वहां से एक क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियोफेज का है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है नीट का, जो आने का चांस 100% होगा कि यही पूछ लेगा कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस वायरस के अंदर है, बैक्टीरियोफेज के अंदर है, और किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है. द प्रोटीन कोट, इनके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कैप्सिड बैक्टीरिया के, सॉरी वायरस के ऊपर कौन सा कोट पाया जाएगा या किस लेयर से वो ढका होता है, तो कैप्सिड से होता है. ये स्मॉल सब यूनिट होता है इसका, जो जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर. तो व्हाट इज कैप्सोमियर, कैप्सोमियर क्या है, सब यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, कैप्सिड का, जो वायरस के ऊपर से कवर करता है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से ये प्रोटेक्ट करता है. दीज कैप्सोमियर अरेंज द हेलिकल और पॉलीहेड्रल, ये क्या होंगे, हेलिकल होंगे और पॉलीहेड्रल होंगे. ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, पॉलीहेड्रल और हेलिकल होते हैं. और ज्योमेट्रिक फॉर्म वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स. अब ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस से होने वाले डिजीज मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्प है, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड ह्यूमन आल्सो कॉल द वायरस, और कई डिजीज यहां से होते हैं. अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन जाता है, इसमें से तीन एग्जांपल वायरस कॉल डिजीज का रख देगा, एक बैक्टीरिया वाला रख देगा, पूछ लेगा कौन सा डिजीज वायरस से नहीं हो रहा है, या तीन बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स का रख देगा और रख देगा एक इसमें से और कहेगा कि कौन सा वायरल डिजीज है. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है. नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखते हैं कि प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोजैक इन्फेक्शन, अगर मोजैक में जैसे हम फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लीफ के ऊपर क्या आ जाएगा, रोलिंग आ जाएगा, कर्लिंग आ जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, जैसे कि चितकबरा टाइप का होता है, किसी भी पत्ती को देखें अलग अलग स्पॉट्स दिख रहे हैं. वेंस क्लियरिंग, डॉर्फिंग छोटे हो जाएंगे और सडन ग्रोथ, इनका ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. तो ये सब इंफेक्शन अगर किसी प्लांट के लीफ में दिख रहा है, उसके हेड पे सूट वगैरह पे दिख रहा है, तो आप क्या कह देते हैं कि ये कैसा है, वायरस डिजीज है. ठीक है, अब इसमें कुछ वायरस ऐसे हैं जो वायरस तो थे लेकिन वायरस से भी थोड़ा सा अलग दिखे, ये तो अपने जो स्टडी किया वायरस की. अब वायरस में अगर हम देखेंगे नीट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, इनसे रिलेटेड वायरस में सिंपली सीधा सीधा जो क्वेश्चन है, तीन साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, तीनों साइंटिस्ट के नाम को आपको देख लेना है, डबल स्टैंडर्ड किसमें है, सिंगल स्टैंडर्ड किसमें है, मुश्किल से दो तीन वायरस के नाम दिए हैं, बाकी सारे क्लियर है, वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा. कंफ्यूजन इनके साइंटिस्ट में होता है कि किसने उसका क्रिस्टलोग्राफी किया, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर लिया, किसने उसकी डिस्कवरी किया, किसने उसको देखा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं. अब हम अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, इसी वायरस से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं, जैसे वायराइड. अब वायराइड क्या होता है, क्या कैसे इसको जानते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बेसिकली इस वायराइड से बन के आ सकता है हमारे पास, तो मेन तो हमें वही जानना है अभी, क्योंकि 15 दिन के अंदर आप 60 से 70 क्वेश्चन का रिवीजन बायोलॉजी का बड़े आराम से कर सकते हैं. 100 पेज का जो ये वीडियो रहेगा इसे देखकर 60-70 पेज बड़े आराम से, एक पेज देखने में 15 मिनट आराम से लगेगा और 15 मिनट में एक क्वेश्चन 100% आपका बन जाएगा. अब हम देखते हैं वायराइड जैसे है. वायराइड की डिस्कवरी जो किया है टीओ डाइनर ने किया है और ये कब किया था, 1971. ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, किसने वायराइड की डिस्कवरी की और कब की. ये जो है नया इन्फेक्शन एजेंट, इन्होंने देखा कि जैसे वायरस इन्फेक्शन करता था वैसे ये भी कर रहा है, लेकिन इसका साइज क्या था, वायरस से और छोटा था, और इससे जो इन्होंने डिजीज देखा ये पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर डिजीज, डायरेक्ट आ जाएगा कि पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर डिजीज कॉज्ड बाय वायराइड. ठीक है,
वायराइड से होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया, दो क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट आपका इट वाज द फाउंड ऑफ फ्री डीएनए, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, फ्री डीएनए होता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहां से डिजाइन हो सकता है, इट लैक द प्रोटीन कोट। अब जैसे वायरस के ऊपर क्या था, प्रोटीन कोट, तो दोनों में डिफरेंस ऐसा भी पूछ सकता है, विच ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायराइड, तो यहां पर लैक ऑफ प्रोटीन कोट का क्या होता है, डिफरेंस होता है, एंड फाउंड वायरस जो कि वायरस में होता है, हेंस नेम वायराइड, और इसका नाम क्या है, वायराइड आरएनए ऑफ द वायराइड वाज द लो मॉलिक्यूलर वेट। अब जैसे हमारा वायरस के अंदर का वायरस वो होगा आरएनए, वो कैसा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट का होगा, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। तो ये तीन चार पॉइंट्स हमें यहां पे मिलेंगे, और कुल मिलाकर चार से पांच क्वेश्चन इस वायराइड वाले पॉइंट से आ रहे हैं। ये चारों पांचों क्वेश्चन आपके अगर क्लियर हो गए तो नीट में यहां से बाहर का कोई क्वेश्चन वायराइड के लिए आपको नहीं तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है पायरॉन से। पायरॉन इज द मॉडर्न मेडिसिन टाइटल ऑफ द इंफेक्शन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिजीज। अब इसकी वजह से जो हमें डिजीज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो रहा है, वेयर फाउंड द ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। तो पहला तो जी न्यूरोलॉजिकल डिजीज पहला क्वेश्चन, दूसरा एबनॉर्मली फोल्डेड डिजीज ये काज कर रहा है, सॉरी प्रोटीन इसमें होता है, द एजेंट ऑफ सिमिलर साइज ऑफ वायरस। इसके भी एजेंट कैसे होते हैं, लगभग सेम साइज वायरस के आसपास मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होते हैं। दीज एजेंट आर कॉल्ड पायरॉन, इन्हीं को आप क्या कहते हैं, पायरॉन कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कास्ट बाई पायरॉन ऑफ द बोइंग स्पॉन्जीफॉर्म एंड द स्नोफिलिसी, तो इसको बीएससी कहते हैं, बीएससी। दूसरा इसका ये क्वेश्चन आएगा, कॉमनली इसको जो कॉल करते हैं, जो ये आप इतना बड़ा सा नाम ले रहे हैं, बोइंग स्पॉन्जीफॉर्म स्नोफिलोपैथी, ये आप ना कहके काउमट डिजीज इन कैटल। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, काउमट डिजीज कास्ट बाई वायरस बैक्टीरिया पायरॉन और वायराइड, तो आप क्या कहेंगे, वायराइड। और ये ह्यूमन के अंदर भी एक डिजीज होता है एमरजस वायरस, जिसको हम कहते हैं सी आर जैकब डिजीज, सी डी इन ह्यूमन, सी जे डी। तो जैकब डिजीज क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, पायरॉन की वजह से होता है। काउमट डिजीज किसकी वजह से होता है, पायरॉन की वजह से। ये दो पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें जो एबनॉर्मली वो होता है प्रोटीन आपका फोल्डेड होता है, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, और इससे न्यूरोलॉजिकल डिजीज है चौथा ही होगा। तो चार से पांच क्वेश्चन टोटल इस पॉइंट से जनरेट होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइकॉन। लाइकॉन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आप पढ़े हैं उतना भी इंपॉर्टेंट ये लाइकेन अपने आप में है। आपको चार लाइन में ही एक क्वेश्चन बना देता है नीट का, आप देखेंगे 10 साल का पेपर वहां पे चार बार लाइकॉन आपका आया हुआ है। सबसे पहले इसके हम देखते हैं ये कैसा सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन दोनों का फायदा हो ऐसे लोगों के साथ ये बना के रहता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो पहला ये है लाइकॉन कैसा एसोसिएशन शो करता है सिम्बियोटिक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि म्यूचुअली यूजफुल फॉर एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो ये ऐसी जगह पे जाके ग्रो करते हैं जहां पर रहना मुश्किल होता है, जैसे पहाड़ों पे चट्टानों पे उन जगहों पर ये जाके ग्रो करेंगे। अब वहां पर दो लोग मिलते हैं, एक कौन मिलता है फंजाई और दूसरा कौन मिलेगा एल्गी, ये दोनों एक साथ एसोसिएट होंगे और नया जो फॉर्म करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं। तो इसमें काम क्या है एल्गी, देखिए पहला क्वेश्चन यही हो गया कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन लाइकेन शो करता है किन किन चीजों का होता है एल्गी और फंजाई का। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट का क्या काम है, एल्गल कंपोनेंट फाइटोबायोंट होता है, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा खाना बनाने का काम करेगा, और फंगल एसोसिएशन माइकोबायोंट होता है जो कि आपका क्या होता है ये रिप्रोडक्शन का काम करेगा माइकोबायोंट। तो ये दोनों चीजें पूछे जाएगा, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया विद ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि इसमें क्या है एल्गी है, एंड दूसरा वाला पार्ट माइकोबायोंट जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होगा, ये
इसी से अपना भोजन लेगा, किससे? एल्गल वाले पार्ट से। तो ऑटोट्रॉपिक कौन है? फाइकोबियंट। और माइकोबियंट क्या है? हेटरोट्रॉपिक है। इसके बाद आपका रेस्पेक्टिवली एल्गी प्रिपेयर द फूड एंड फंजाई फॉर द फंजाई। एल्गी का काम में क्या है? फूड बनाना है, और किसके लिए है? फंजाई के लिए। और फंजाई उसके लिए क्या करेगा? प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ये नीचे से अपना वाटर को एब्जॉर्ब करेगा इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर के लिए। अब इसका पार्टनर कौन है? एल्गी का। फंजाई हो जाएगा एल्गी का, दूसरा पार्टनर क्या हो जाएगा? फंजाई। सो क्लोज एसोसिएशन ऑफ वन ऑफ दी सॉ द लाइकेन नेचर। अब इन दोनों को मिला के जो हम एसोसिएशन को बोलते हैं, इसी को लाइकेन बोलते हैं। और ये कहीं भी जो एबनॉर्मल कंडीशन होता है वहां पर ग्रो करता है। लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये जो है वो कहीं पर भी पोल्यूशन अगर होगा तो ये वहां पर ग्रो नहीं करेगा। तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर होता है कौन? लाइकेन। गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। यहां से भी इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो आपने देखा 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है, और इसमें आपके कम से कम नीट के एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, एक से ज्यादा भी क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से। तो ऐसा पेज एनसीईआरटी